जी टू ऑल, जितने मेरे भैया भाभी यहाँ पे खड़े हैं सबको नमस्कार। और एक बात मैं ये शुरू करने से पहले बता दूं कि मेरी हर बात पे आपको तालियां मारनी मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने घोर तपस्या के बाद भगवान से ये वरदान पाया कि जो मेरी बात पे तालियां नहीं मारता फिर वो अगले जन्म में घर घर जाके तालियां मारता है। मुझे ना यहाँ पे किसी ने कहा कि मैं पहले 4-5 बार परफॉर्म कर चुका हूँ, तो पहले कभी कंपटीशन नहीं कराया, मेरा सारा मटेरियल खत्म हो गया, अब कंपटीशन कराया। मैं 4-5 बार यहाँ पे परफॉर्म कर चुका, तो मुझे किसी ने कहा कि तू यार अपनी बात तो करता नहीं, तू लड़कियों की बात करता रहता है। तो मैंने कहा भी देखो जो सबसे हॉट टॉपिक होता है उस पर बात की जाती है, टॉपिक भी है, टॉपिक ये कि लड़का लड़ाई करता है तो लड़की के लिए, पढ़ाई करता है तो लड़की के लिए। तो ऐसे मैं ऑरेंज आज मैं अपनी रियल लाइफ की बातें बता रहा हूँ, रियल जो मेरे साथ हुई है, क्योंकि कॉमेडी में अपनी लाइफ में से या अपनी आसपास की लाइफ में से निकालता हूँ। तो ये ऑरेंज की बात करते हैं, यहाँ पे आजकल 4-5 लड़के 4-5 लड़कियों का नए चेहरों का ग्रुप है, वो ग्रुप में ही रहते हैं। उसके साथ लड़की का ये मेरी कजन है, ये अपने मेट्रो गेट में मिल गया, ये लोग के बाहर है। तो मैंने मुझे कहता और विकास भाई क्या हाल चाल, मेरे का बढ़िया, कह रहे ये मेरी कजन है। तीसरी बार फिर मिल गया मुझे, कहता और विकास भाई क्या हाल चाल है, ये मेरी कजन है। मैं हेलो भाई बात सुन, जो आज तेरी कजन है 6 महीने पहले मेरी कजन हो गई। अपनी टीम की बात बता रहा हूँ, जब मोबाइल ना इसने पता क्या किया, हाय हेलो खत्म कर दिया, स्क्रीन पे नंबर आता है, जब पता चलता है बीवी का फोन है, इसी का फोन उठा दे, कोई आप तुझे कितनी बार कहे, बिजी हूँ, प्राइवेट कंपनी है यार, बात करने का टाइम नहीं मिलता, ठीक है बात नहीं बोल रही। और भाई बीवी के नाम पता कैसे रखे होते हैं, वाइफ की कॉल आ रही है नाम रखा होता लादेन कॉलिंग, नाम रखा होता गब्बर सिंह कॉलिंग, एक भाई ने लिखा बोला इमरजेंसी कॉलिंग, एक ने तो हल्दी कहती उसमें लिखा तो ओ माई गॉड कॉलिंग, वाइफ के फोन के बाद ना फिर आता गर्लफ्रेंड का फोन, फिर कैसे बात करेंगे, गर्लफ्रेंड का फोन आता हेलो जरूर मैं तो फ्री हूँ, प्राइवेट कंपनी प्रोसेस ये काम नहीं है, पढ़ लिख के जो आईटी सेक्टर में आ जाती है या जो शहर में आ जाती है, एक यहाँ की लड़कियां
और एक मैं जब घर जाता हूँ हमारे खेतों में जो काम करते हैं उनके घर का जो कोर गांव का कल्चर है वहां की लड़कियां, मैं इन दोनों में मैंने बड़ा डिफरेंस देखा। यहाँ की लड़कियां सुबह अपने हस्बैंड को उठाएगी, हनी उठो ना छो ना मेरे लिए कॉफी ना के लाओ। आदमी आज सबको पता आदमी प्यार का भूखा कोई दो प्यार के शब्द बोलते अपने हस्बैंड से लड़ेंगी या किसी से लड़ेंगी ना तो नॉनसेंस इडियट ब्लडी बास्टर्ड पत्नीज पत्नीज भी ना इंग्लिश में रैप करके फेंक देती है किसी को पता ना चले कि ये पत्नी और वहां की लड़कियां सब लड़ाई करती हैं, एक सांस में इतनी गालियां दे देती बंदे को पता नहीं चलता मुझे कौन कौन सी गाली पड़ी वो कैसे गाली बिन कुत्ते ना भुन तो पहले